अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम जिस शर्ट की कटिंग करेंगे बहुत ही डिफरेंट और यूनिक स्टाइल आएगा। फ्रंट है ये मिड का स्टाइल है मिड, और ये हम इसके बॉर्डर को ये नीचे आएगा, इसको अलग कर लेंगे हम, थोड़ा सा मार्जिन छोड़कर इसको कट कर लेंगे, एंड तक ऐसे ही कट कर लेंगे। अब हम इसके मिड से इसको फोल्ड कर लेंगे, ये यहाँ से बिल्कुल मिड से ऐसे, ये हम फ्रंट का पीस कट कर लेंगे, फिर हम बैक पे भी वैसे ही रखकर इसको उसी साइज से कट कर लेंगे। अगर हम दोनों करेंगे तो ये मुश्किल हो जाएगी थोड़ी। ये अब मैंने फोल्ड कर लिया शर्ट, ये बिल्कुल मिड वाला बॉर्डर दरमियान में कर लिया है। तो अब मैं इसकी मेजरमेंट करती हूँ, सबसे पहले इसकी लेंथ देखते हैं। इसकी लेंथ मैंने ली है 40 इंचेस, यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं 40 इंचेस पर। और इसकी विड्थ मैंने ली है, ये मैंने रखा हुआ है कैमरे में, शायद ना आ रहा हो इसका एंड। और इसकी विड्थ मैंने 15 इंचेस, डबल 30 इंचेस ली है, 15 इंचेस इसका आधा है और टोटल मैंने 30 इंचेस ली है। नॉर्मल शर्ट से ये ज़्यादा है इसकी विड्थ नीचे से, क्योंकि ये थोड़ी सी राउंड शेप में मैं करूँगी कट इसको, और थोड़ा सा खुला होगा फ्रंट, वो शॉर्ट चौक वाला है, ये शर्ट शॉर्ट चौक वाली है, उसमें नीचे से गेज जो है इसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही होता है। अब हम इसके शोल्डर्स देख लेते हैं। शोल्डर्स की मेजरमेंट मैंने ली है जो इसकी 16 इंचज़ है और इसका हाफ 8 इंचज़ है, ये मैंने मार्क कर लिया यहाँ पर। अब ये शोल्डर 8 इंचेस ऊपर से मैंने रख ली है डबल करके, और अब मैं इसकी इस साइड से मेजरमेंट करती हूँ। ये हम शोल्डर का निशान 7.5 पे लगाएंगे, और इसकी वेस्ट हम रखेंगे 14.5, उसका डबल, और इसके हिप जो है वो 21.5। ये नॉर्मल शर्ट के वैसे 21.5 ही होते हैं इसकी, लेकिन मैंने ये शॉर्ट चौक वाली बनानी है तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 26 इंचेस पर मैं इसको मार्क कर रही हूँ चौक के लिए। यहाँ तक हमने ये मार्क कर लिया है। अब मैं इसकी चेस्ट, इसकी 22 है और इसका हाफ हो गया 11 इंचेस, 11 इंचेस तक मैं मार्क करूँगी, ये 11 इंचेस तक मार्क कर लिया इसकी चेस्ट पे। फिर इसकी वेस्ट वो है 18 इंचेस और इसका हाफ 9, और इसके हिप जो हैं वो 22 इंचेस नॉर्मल जो हैं रखे जाते हैं यहाँ से हिप से इसकी फिटिंग, लेकिन ये चूँकि शॉर्ट चौक है तो मैं इसकी यहाँ पर 22 होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो ले रही हूँ 24 ले रही हूँ, बल्कि 25 का आधा 12.5 यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी 12.5 का। फिर जहाँ पर हमने ये चौक रखे हैं वहाँ पर भी हमने फिटिंग के लिए निशान लगाना है। इसके चौक मैंने ज़रा नीचे रखे हैं, वैसे नॉर्मली यहाँ तक होते हैं, तो यहाँ पर मैं 26 इंचज़ तक लगा रही हूँ, 26 का हाफ 13, ये 13 तक मैं मैयर करके 13 तक मैयर करके इसको फिटिंग का निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ से फिटिंग का निशान लगाते जाएंगे 2 इंचेस एक्स्ट्रा देकर। पहले हम फिटिंग का निशान लगा लेते हैं जहाँ पर हमने मार्क किया है, ये फिटिंग का निशान हो गया वेस्ट तक, वेस्ट से हिप तक, हिप जो हमने अब नॉर्मल से ज़्यादा रखे हैं वहाँ तक ही हम मार्क करेंगे, और फिर नीचे तक। ये हमें जो इसकी वर्थ का निशान लगाया था वहाँ तक हम इसको मार्क कर लेंगे ऐसे ही। ये चौक शायद आपको इतना डार्क नज़र ना आ रहा हो, लेकिन यहाँ पर मुझे फैब्रिक पर बहुत सही नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा डार्क अगर चौक हो तो वो फिर बाद में उसके निशान रह जाते हैं, मैंने इसलिए ज़रा लाइट लिया है। अब हम इसको 2 इंचेस का मार्जिन देकर यहाँ पर कटिंग का निशान लगा लेंगे, टोटल 2 इंचेस हम छोड़ते जाएंगे।
और कटिंग का निशान ऐसे ही लगा लेंगे। अब हम ये शोल्डर्स जो हमने मार्क किए थे इसको ये मिड से हमके 1.5 इंच तक यहाँ मार्क करके, तो यहाँ हमने राउंड शेप इसको दे लेनी है यहाँ तक। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर से ये एक्स्ट्रा कपड़ा भी मैंने नहीं उतारा था अभी, ये इसके साथ ही जुड़ा हुआ उतर जाएगा, किसी काम आ जाएगा हमारे, इसलिए अब हम इसकी फिटिंग कटिंग करते हैं। ये राउंड शेप है यहां तक, अब हम इसकी फिटिंग की कटिंग करते जाएंगे। ये नीचे से हमने 3 इंचेस तक इसको यहाँ से इसकी कटिंग करनी है, राउंड शेप देनी है। तो ये राउंड शेप वाली शर्ट है, हल्की हल्की यहाँ तक हम मिला देंगे इसको, हम ऐसे कट कर लेंगे। ये बिल्कुल राउंड शेप में है, छोटे चाक होंगे इसके इतने, बिल्कुल यहाँ तक। अब हम इसकी बैक देखते हैं। बैक का ये है फैब्रिक हमारे पास, इसके भी साइड पे बॉर्डर है, एक साइड पे बॉर्डर है, ये देखिए इस साइड पे, इसको भी हम अलग कर लेंगे। ये बॉर्डर हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स में यूज़ हो सकता है, ये पूरा जो है हम नीचे भी लगा सकते हैं, ये इतना कट करके हम इसकी तरीज़ों पे भी अटैच कर सकते हैं, या ये वाला, तो देखते हैं जिस तरह अच्छा लगेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी, तो फिर हम इसकी कोई डिज़ाइनिंग करेंगे। तो अभी हम इसकी ये बॉर्डर अलग करके इसको इस तरह डबल करके, तो ये जो हमने फ्रंट का शर्ट का पीस कट किया है इसको इसके ऊपर रख कर बिल्कुल सेम वैसे ही कट कर लेंगे। ये हम बैक भी ऊपर रख के कट कर रहे हैं, भी हमारी फ्रंट और बैक रेडी हो गई है। हम इसको अलग कर लेंगे बैक को, इस पर बाद में हमारे नीचे वो बचे हुए जो उतरा है बॉर्डर उसे हम कोई भी स्टाइल बना लेंगे स्टिचिंग के वक्त। तो अभी सिर्फ इसकी कटिंग कर लें हम। ये फ्रंट का जो शोल्डर है इसमें हम तकरीबन 1/2 इंच तक हल्की हल्की सी यहाँ से डीप शेप देनी होती है यहाँ तक, ऊपर और नीचे से नहीं सिर्फ मिड से। ये हमने कर ली है, अब इसके आर्म की कटिंग हम करते हैं। अब इसकी लेंथ देखते हैं आर्म की। नीचे हमने आर्म के यहाँ पर बॉर्डर अटैच करना है, इसलिए हम ये बॉर्डर रख कर ऊपर फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर हम वैसे कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये हमारा बाजू। इसकी आर्म की लेंथ जो है हमारी 23 है, मैंने लेनी है जो यहाँ तक हम देखेंगे 23 इंचेस, ये 23 इंचेस हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम कट करेंगे क्योंकि इसके साथ आगे हमारा बॉर्डर अटैच हो जाना है, इससे फिर वरना लंबा हो जाएगा हमारा बाजू। अगर आपको हमारी कटिंग का मेथड पसंद आ रहा है, जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं वो नीचे सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, दबा दें, ताकि आइंदा जो भी हमारी वीडियो आए नई तो वो उन तक ज़रूर पहुंच सके। अब हम शोल्डर वाली साइड से 3 इंच तक इसकी शेप देंगे यहाँ से ऐसे, और फ्रंट से हमने ये रखना था 14 इंच, लेकिन ये टोटल 14 इंच का हाफ जो है वो 7 इंच है,
तो ये टोटल ये 8 इंच तक है। हम हाफ इंच तक सिर्फ यहाँ से इसकी शेप दे लेंगे, फिर आगे बॉर्डर को अटैच करके हम इसकी मज़ीद कटिंग कर लेंगे। तो ये ऊपर वाला और नीचे वाला छोड़ के ये जो दो पीस हैं इनको हम हल्की हल्की सी डीप शेप दे लेंगे। ये फिर हमारी शर्ट के साथ फ्रंट पर अटैच होगा। आप हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।